अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई में अब क्या कुछ दलीलें जो हैं वो केजरीवाल के पक्ष की तरफ से, केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी जाती हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया था। केजरीवाल की न सिर्फ याचिका खारिज कर दी गई थी, बल्कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं वो पुख्ता हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी। ये कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और इस पर हमारे साथ आशीष बने हुए हैं, हमारे साथ विनीत जी बने हुए हैं और साथ ही मनीष पाठक भी हमारे साथ एडवोकेट हैं। विनीत जी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट फिर राउज एवेन्यू कोर्ट से लगातार केजरीवाल को फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब सुनवाई जो है वो 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो क्या लग रहा है आपको, कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर ना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी कोई रिलीफ अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है। उसका रीजन एक बहुत बड़ा है। जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किस तरह से वो ये कहते हैं कि जी इंडिविजुअल और कंपनी का जो डिफरेंस जो उन्होंने पिटीशन में बताया, उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके बहुत प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर वहां पे उसको कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया गया है और बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है कि सेक्शन 70 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा एक बहुत बड़ा ग्राउंड मैं कहूं कि ये है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल की जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की तरह दिखाई जा रही है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन ईडी ने साफ किया है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया गया, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी इसमें एज अ कंपनी इम्प्लीट हो सकती है और इसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में अपने जजमेंट में लिखा है। तो मुश्किल है, मुझे लगता है एक बड़ा सीधा सा सवाल है विनीत जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या याचिका दाखिल करने में ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह याचिका दाखिल करके एक सेल्फ गोल किया है? अभी तक जो बयान, जो बातें राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी का उदाहरण ले रहा हूं, जो बीजेपी आरोप लगाती रही है, वही बात कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, कोर्ट के फैसले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कही गई है। तो एक जो छवि अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, मुझे याद है कि जब दूसरी बार ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन राउज एवेन्यू कोर्ट में मूव की थी, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपको जितने दिनों की रिमांड देनी है दे जाओ। जब फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया और ईडी ने कहा कि इनको जीसी में जाना है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, आप जीसी में भेज दो। तो आपको नहीं लगता कि जो छवि उस समय अरविंद केजरीवाल की बनी थी वो डैमेज हो गई है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, और ये याचिका कुछ नहीं, एक सेल्फ गोल थी अरविंद केजरीवाल के लिए? बिल्कुल आशीष भाई, मैं पहले भी इस बात को मानता रहा हूं और मैंने आपके साथ भी इस बात को पहले भी बोला है कि पूरा मामला जो था अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरीके से प्रोजेक्शन दिया गया शुरू से कि यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है, मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा एप्रिहेंसिव होकर उन्होंने ये सोचा कि लोकसभा इलेक्शन आ रहा है तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया, कहीं ना कहीं सिंपैथी वेव जो है वो इस तरीके की मिलेगी क्योंकि ईडी की बेल मिलनी नहीं है जल्दी से, इसी को लेकर उन्होंने कहा कोर्ट का रुख भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑब्जर्वेशन से बचा जाएगा। लेकिन अब जब आप कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पे, देखिए लिटिगेशन में हम लोग काम करते हैं तो देखते हैं कि भाई लिटिगेशन में स्पेसिफिक ग्राउंड्स में आपको जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ गोल वाली जो बात है वो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जरूर लागू हो गई है और आने वाले समय में हमें लगता है कि लोकसभा इलेक्शन, जो कि पॉलिटिकल गेन की जो बात अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे, उस ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो डिफीट कर गए हैं और साथ साथ लीगल एस्पेक्ट पे भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें जो है वो अरविंद केजरीवाल की लगातार बढ़ रही है। ठीक है मनीष जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे, एक सवाल मुझे विनीत जी से समझना है। विनीत जी, इस मामले में चूंकि अभी जांच जो है वो प्राथमिक स्तर पर है, प्रीमेच्योर इसको हम कहेंगे, जो अभी जांच है वो चल रही है, तो ऐसे मामलों में इतनी आसानी से किसी को किसी भी फोरम में, चाहे कोई भी अदालत हो, इतनी आसानी से तो राहत नहीं मिलती। और ये वही मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया जो है वो पिछले 13 महीने से जेल में है और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ये कहती है कि नहीं जी आप किंग पिन हो, यानी आप ही के कहे अनुसार पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है,
तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी जिस राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं वो राहत इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाली। बिल्कुल आशीष भाई, देखिए समझिए कि ये जो पेटिशन है ये पेटिशन बेल की पेटिशन नहीं है, ये पेटिशन सम्मन को चैलेंज किया, गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, लेकिन बेल नहीं मांगी गई। तो ये बात हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो राइट है किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी की जानकारी, किसी जानकारी जुटाने के लिए नोटिस करना, उसको चैलेंज किया गया है। तो उसको चैलेंज करना मुझे लगता है इतना जल्दी बाजी बहुत दिखा दी गई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मामले को शायद उलझा के रखना ही आम आदमी पार्टी का एक मोटिव मुझे लगता है। क्योंकि अगर ऐसा होता और सिर्फ छुड़वाने की बात होती तो कहीं ना कहीं बेल के ऊपर जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को। और मुझे नहीं लगता कि सम्मन को चैलेंज करना पीएमएल एक्ट के अंदर बहुत आसान होता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं पता कि लीगल थॉट क्या कहते हैं उन लोगों के जो लोग इस पूरा पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ। ठीक है, समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, वो टिप्पणियां क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें